सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से कर्नाटक के 5 जगहों पर बड़े पैमाने पे आवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस को हम मुनाखिद किए हैं। ऑलरेडी मैसूर, दावणगेरे और मंगलोर के इलाक़े में 3 ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली हम कंप्लीट किए हैं। इसी महीने के 29 तारीख को इंशाअल्लाह गुलबर्गा के नेशनल कॉलेज का जो ग्राउंड है हफ्त गुंबज में, वहाँ पर शाम 7 बजे एक और तारीखी आवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद के बारे में हम आपके माध्यम के ज़रिए से गुलबर्गा के हर आवाम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मुल्क में जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरी निज़ाम है, आज ये अनार्की की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। अगर देखेंगे कर्नाटक में पिछले 3 साल पहले जो बीजेपी हुकूमत रूलिंग में आई थी, एक बहुत ही गलत तरीके से 17 बॉम्बे बॉयज़ को बॉम्बे रिसॉर्ट्स में जो गाय बकरियों के जैसा लाखों के रुपए में, करोड़ों के रुपए में ख़रीद कर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डाउन करते हुए उन हुकूमत में आए थे। जब हुकूमत में आके 10 दिन नहीं गुजरे थे, तब दौर के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा का बेटा विजयेंद्रा बद्रा मेलदंड योजना, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट था, इसको 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 10% ये कमीशन मांगा था, तो बहुत बड़ा वाबिला मचा था। हम समझ रहे थे, अब तक सुन रहे थे 5%, 3%, 4%, जो 10% की बात उठी तो पूरे कर्नाटक में चर्चा हुआ। कर्नाटक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषण में आके कहे थे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसके लिए हमें मौका दियो, जब 10% की बात आई, एक भी लफ्ज़ प्रधानमंत्री के मुँह से नहीं निकला। खैर ठीक है, वो आते आते कर्नाटक की हिस्ट्री में कर्नाटक के जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो चीफ हैं या प्रेसिडेंट हैं केम्पण्णा, यही चीफ मिनिस्टर को खत लिखते हैं, कर्नाटक की बीजेपी के मिनिस्टर और MLAs 40% कमीशन को हमें डिमांड करते हैं। आप बताइए, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए अगर सैंक्शन होता है गवर्नमेंट से, 40% कमीशन देकर बचे हुए 60% में क्या काम करेंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या क्वालिटी मेंटेन करेंगे? लेकिन आज तक बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब नहीं दिए। तो ये एक तरफ जो रिश्वतखोरी और सरकारी खजाने को लूटने की एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ देखेंगे तो कर्नाटक में कभी हिजाब के नाम पर, कभी आज़ान के नाम पर, कभी हलाल कट के नाम पर, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर, बहुत सारे यहाँ के कम्युनल स्टेटमेंट्स ये बीजेपी के मिनिस्टर्स देते हैं। तो इसका मकसद यही है कि आवाम की जो रुझान है उसको डाइवर्ट करने का इनका मकसद है। तो लिहाजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये आवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों का ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी के हाथ में और भी अगर ये हुकूमत देंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा ये तो होल कर्नाटक को बेच कर ये अपने घर को चले जाएंगे। कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर का पोस्ट 2500 करोड़ को अगर कोई सेल की रे रखा है तो यही बीजेपी की हुकूमत है। ये SDP नहीं बोल रहे, बीजेपी का रेबल चीफ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल अलल ऐलान मीडिया में आके बोलता है। तो कहाँ तक हमारा माशरा आ गया? और कर्नाटक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पुलिस डिपार्टमेंट में एक सब इंस्पेक्टर बनना है तो 50 लाख रुपए अगर आपके हाथ में है तो आप सब मिनिस्टर बन सकते हैं। यही गुलबर्गा से वो स्कैम भी बाहर आया। तो अगर ऐसा ही हम देख के हाथ धरे होके बैठे रहेंगे तो हमारा मुल्क को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो लिहाजा हम ये आवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आवाम के सामने ये सारे चीज़ों को वाजे करना चाह रहे हैं। ये मुल्क को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, हमारे दस्तूर अमल को बचाना है, तो हम सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। उसका बेड़ा SDPA उठा के है। इंशाअल्लाह और भी 2 बड़े कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, बेंगलुरु में भी एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, बागलकोट में भी एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, लेकिन गुलबर्गा की आवाम को एक सुनहरा मौका है जो 29 तारीख को हफ्त गुंबज में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसमें कसीर तादाद में आप लोग आके हमारा हाथ जुटाइए। ये SDPA का कॉन्फ्रेंस नहीं, ये आवाम का कॉन्फ्रेंस है, ये आवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस है। तो इस कॉन्फ्रेंस में अगर आप हमारा साथ देंगे तो आइंदा आने वाले चुनाव में, आइंदा आने वाले इलेक्शंस में होनहार पॉलिटिशियंस को जिताने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करें।
शरण शरणार्थी जय भीम। कलबुर्गी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ् इंडिया वतिया वो जनाधिकार समावेश इपत्के नेशनल ग्रउंड हप्तुम हि सायंकाल ऐंटे ऐर्पड़े आद कारण ना निर रिक्वेस्ट में कर्नाटकद ना कर्नाटकद्यंत आलरेडी मंगलूर आगबूद मत मैसूर आगबूद दावणगेरे आगबूद आलरेडी मूर कड़े समावेश आगे बृहत् संख्यली जन सेरिद्रु सक्सेसफुल अदे दृष्टिकोन इट्टुकोंडु कर्नाटक अल्टरनेटिव पर्याय शक्तिया एस डी पी आई बेळीता इदे अदक्के नावु निम्म हत्र रिक्वेस्ट माडोदेनंतंद्रे हैदराबाद कल्याण कर्नाटक भागदल्ली ओंदु केंद्र स्थानवागिरुव गुलबर्गदल्ली इदु ओंदु समावेश नडेयोकिदे इदरल्ली राष्ट्रीय नायकराद नम राष्ट्रीय नायक जाधवर आगबूद नम राज्य अध्यक्षर मजीद मैसूर आगबूद अफ्सर कोडलीपेटर आगबूद मत अब्दुल अन्नानबू मत भाला नायक मत भास्कर प्रसाद आगबूद भाला नायक पागलता इंदे वे समावेश चुनावी ना कर्नाटक नम टारगेट ईद हूँ कॉन्स्टिट्युएंसी ना ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ 29ನೇ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ।